हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू महात्मा जी इंग्लिश सॉल्यूशन। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 18 to 20 फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। इनमें अक्सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें इनका जो कॉन्सेप्ट जो है वो पता नहीं होता। तो चलिए आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है इनका, जो आज हमने ये समझना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है हमारा, देख लीजिए, रीता .. अ माइल एवरी डे। ठीक है, तो जहाँ पर भी एवरी डे आ जाए वहाँ पर आंख बंद करके हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब लगती है रन्स, वो हमने यूज़ कर देनी है। ठीक है, रन हम यहाँ पर जब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर प्लूरल होगा। दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट में हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट यही है। नेक्स्ट है, देखो, द डॉग्स। अब यहाँ पर डॉग्स आ गया, ये देखो, डॉग्स मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर लगा देंगे बार्क। यहाँ पर ये ES वाला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बार्क, BARK। ठीक है, तो कुत्ता है वो, और एवरी डे जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं, एक नहीं है, डॉग्स हैं बहुत सारे। थर्ड वन, द कैट .. स्नेक। अब यहाँ पे कैच है और कॉच है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉच, क्योंकि यहाँ पर बात हमारे पास्ट टेंस की हो रही है। तो जो कैट है उसने पकड़ा, क्या पकड़ा, स्नेक पकड़ा। तो ये हमारा सिंपल पास्ट में हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है, देखो, वी .. इन द पार्क इन द इवनिंग। ठीक है, वी, तो इन द इवनिंग आ गया यहाँ पे, इवनिंग्स मीन्स शाम को। तो वी प्ले, वी प्ले, ओनली प्ले, नॉट प्लेज। प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल, प्लूरल भी बोलते हैं कुछ लोग, प्लूरल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है, देखो, मियाँ .. स्कूल यस्टरडे। अब ये भी बहुत सी ध्यान रखने की चीज़ है कि जहाँ पर यस्टरडे का यूज़ हो जाए वहाँ पर मींस बात हमारी पास्ट में हो रही है, और पास्ट में कौन सी वर्ब लगती है, बेंट सेकंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो मियाँ वेंट, दिस इज़ मियाँ खलीफा यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट देखो, सी .. टू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हेन सी ग्रोज अप। ठीक है, सीला नॉट सी, सीला, सीला .. टू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हेन शी ग्रोज अप। तो यहाँ पर आ जाएगा सीला वांट्स, क्योंकि सीला चाहती है, तो सीला क्या है, हमारी सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, सीला वांट्स टू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हेन शी ग्रोज अप, जब वह बड़ा बड़ी होगी सीला क्या बनना चाहेगी, पुलिस ऑफिसर बनना चाहेगी। सेवन नंबर है, देखो, महेश .. बैक टू हिज मदर। महेश जो है वो अपने पापा के मदर के मम्मी के पास आ गया, तो यहाँ पर आएगा रन। ठीक है, महेश रन बैक। ठीक है, सॉरी, रन नहीं, यहाँ पर आएगा रैन, महेश रैन बैक टू हिज मदर। एट नंबर, एमी .. एमी हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर सीधे सीधी बात है, हमारा सिंगुलर जो वर्ब है वो आ जाएगी, एमी बॉक्स। ठीक है, वेरी फास्ट। नेक्स्ट है, देखो, यू कैन .. विद अस, यू कैन। अब जहाँ पर कैन लग गया, कैन भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल जिसको बोलते हैं, जहाँ पर कैन लग गया वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ये भी हमेशा ध्यान। नेक्स्ट है, देखो, दे मीन्स बहुत सारे। ठीक है, दे वेंट, यहाँ पर आ जाएगा वेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, सिंपल पास्ट का यहाँ पर हमें पता चलता है। दे वेंट टू अ पिकनिक टुगेदर, वे पिकनिक पर गए साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हैव पहले आ गया, हैव यू सीन। जहाँ पर हैव पहले आ जाए, हैज, हैव, हैड, ये चीज़ें पहले आ जाएँ वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सीन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीन। नेक्स्ट देखो, हन्ना मोंटाना, किसी का नाम है ये। ठीक है, सिंग सो वेल, हन्ना मोंटाना जो है वह बहुत अच्छा गाती है। यहाँ पर हमने सिंग क्यों लगाया, क्योंकि ये टेंस है हमारा, जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
ठीक है हैना मोंटाना बहुत अच्छा गाती है हैना मोंटाना सिंग वेरी। अब संग हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। हम अगर यहाँ पर सैंग होता तो हम यहाँ पर सैंग का यूज कर सकते थे, सिंग सैंग संग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे यूज हो सकती थी। एक सेंटेंस बन जाता कि हना मोंटाना ने बहुत अच्छा गाया, हना मोंटाना संग वेरी वेल, सैंग वेरी वेल। थर्ड नंबर पे देखो क्या है हमारा, द वर्ड अवे फ्रॉम द केज। तो फ्लो हमारी थर्ड फॉर्म है, फ्ल्यू हमारी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा ये सिंपल पास्ट का बोध हो रहा है इसमें हमें, तो यहाँ पर लगा दो फ्ल्यू, सेंटेंस हमारा हो जाएगा। तो जो वर्ड है वो क्या हो गया, उड़ गया अवे फ्रॉम द केज, उस पिंजरे से दूर। नेक्स्ट है देखो, आई डॉट 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 आ लेटर फॉर माय फ्रेंड्स, तो इस यहाँ पर हो जाएगा आई रोट, ठीक है मैंने लिखा एक लेटर टू टू फॉर माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के लिए। नेक्स्ट है देखो 15, द फ्रेंड्स डॉट 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 बैक फ्रॉम द ट्रिप, द फ्रेंड्स ड्रॉप, यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉप, जो फ्रेंड्स थे वो वापस आ गए पिकनिक की, पिकनिक से। नेक्स्ट है देखो डिड, डिड यू, यहाँ पर डन ला नहीं सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर पहले से फर्स्ट फॉर्म के, पहले से यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हो गया है, तो इसके बाद आने वाली फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। डिड यू डू एनीथिंग, ठीक है क्या तुमने कुछ किया। नेक्स्ट अब देखो दे डॉट 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 टिल लेट इवनिंग, अब यहाँ पर देख लो यहाँ दे आ गया, मीन्स ये हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पर प्लेट लगा देंगे, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है दे प्लेट, वे उन्होंने लेट जो इवनिंग थी वहाँ तक खेला, मतलब देर रात तक या शाम तक। 18 नंबर है देखो, कैन यू, ठीक है यहाँ पर कैन लग गया, कैन के बाद जो भी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो कैन यू स्विम वेल, क्या तुम अच्छा तैर सकते हो। नेक्स्ट नंबर है देखो चीताज, ठीक है चीताज मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर आ जाएगा रन, आर यू एन रन, वेरी फास्ट, चीता जो हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो 20 हो गया, ये नंबरिंग यहाँ से गलत हो गई, 18 19, ये 20, ठीक है माई ब्रदर एंड आई, ठीक है माई ब्रदर एंड आई टॉक एवरी डे,